दिवाली पर आईटीबीपी की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बार जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए पीएम मोदी चीन बॉर्डर के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। यहां लेपचा में प्रधानमंत्री जवानों से मिले और उनके साथ दिवाली का उत्सव मनाते नजर आए। जब पूरा देश सुख और समृद्धि का सबसे बड़ा पर्व दिवाली मनाता है, जब पूरा देश खुशी और रोशनी का त्योहार मना रहा होता है, तब राष्ट्र सुरक्षा का महासंकल्प लिए सरहद की निगेबानी में जुटे रहते हमारे देश के वीर जवान। सीमा पर सुरक्षा में जुटे जवानों की दिवाली सुनी ना हो, वीर सपूतों की खुशी में कोई कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते 9 सालों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इस शानदार और गर्व से भरे सफर को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही साल 2014 से शुरू कर दिया था। हर साल जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा होता है, तब देश के प्रधानमंत्री रोशनी के इस पर्व पर खुशी को सीमा के पहरियों के साथ साझा करते हैं। साल दर साल सैनिक छावनियां बदलती रही, सरहदी पोस्ट बदलती रही, लेकिन नहीं बदला तो ये सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी ने साल दर साल दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के साथ ही मनाया। 9 साल से ये सफर जारी है। पीएम की ये प्रतिज्ञा अटल है कि दिवाली पर वो सीमा प्रहरियों के बीच ही होंगे। सियाचिन से लेकर जम्मू कश्मीर के दूसरी सरहदी इलाकों में प्रधानमंत्री जवानों के साथ दिवाली मना चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तराखंड में भी वो ऐसा कर चुके हैं और इस बार वो हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली उन्होंने सियाचिन में मनाई। 2015 में अमृतसर के नजदीक खासा में पीएम मोदी पहुंचे। 2016 में पीएम हिमाचल गए थे और चीन बॉर्डर के करीब जवानों के साथ दिवाली की खुशी साझा की थी। 2017 में पीएम के सफर की मंजिल गुरेज बना। 2018 में पीएम ने हरशील में आईटीबीपी जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2019 में राजौरी में 2020 की दिवाली भी खास थी। पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर में पहुंचे थे। 2021 में पीएम मोदी ने दिवाली नौशहरा में जवानों के साथ मनाई। 2022 में यानी पिछले साल पीएम मोदी करगिल पहुंचे थे। हर साल सेना के बीच देश के प्रधानमंत्री का जाना ये बताता है कि उन्हें सेना से कितना लगाव है, कि वो जो घर से दूर हैं उनके पास रहकर वो इस कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।